नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा एक्चुअली। अपने पैसे कम दूंगा, मार्केट डालो, खरीद के लाओ। तो जो सत्तर है वो क्या है? बिल्डिंग है। शहर मतलब गूगल फॉर्म ऐसे क्या कि पैलेस है बना हुआ, राइट राइट। यूजर डिफाइन यानी क्या होता है? यूजर डिफाइन होता है कि हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो मान के चलो हमें कोई डेटा की जरूरत है, तो उस डेटा टाइप को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं खुद से, यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन होता है राइट। जो चाय बनी वो क्या चाय क्या बने? शक्कर और चाय में अंतर क्या है? शक्कर इज अ बिल्डिंग, बट चाय इज अ एंटिटी, इज अ यूजर डिफाइन, आई मीन हमने खुद से बनाई है, होगा। यूजर डिफाइन एंड बिल्डिंग का मीन समझ आ गया? Any query? Okay. Then अब सबसे पहले पढ़ते हैं बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग डेटा प्रोग्राम को हमें समझ का पहला होता है एट क्या character double string, there are the building data types, integer में क्या इस्तेमाल करते हैं? integer value, character में character values, double में हम क्या करते हैं? जो integer जो value इससे ज़्यादा की value उस पे store करते हैं। there is a string, string is the collection of alphabets, numericals and symbol। अब हम पढ़ते हैं user defined। यूजर डिफाइन में है एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। दीज आर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब हम क्या करते हैं? अभी मैंने क्या किया, जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको मैंने किस प्रकार से क्लासिफाई किया? बिल्डिंग डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसको मैं दूसरे तरीके से क्लासिफाई करता हूं। पहला है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव।